चुके हैं अंधेरा में। अच्छा मेरे बहू को तो चुराइल धर लिया है डर। दोस्तों हमारे भी चैनल है, इस पर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, इस पर 10,000 सब्सक्राइब पुराइएगा दीपू अंगिरा कपल पर। बहुत अच्छा सरील्स बनाएंगे इस पर, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, दुलार प्यार दीजिए। दोस्तों देखिए अंगिरा जी रील्स बनाई, आप लोग देखिए जो रील्स देखने के लिए बोल रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सबसे पहले आप लोग का नमस्ते कर रही हूँ। अभी शाम को हो रहा है 5 और मेरे हस्बैंड जी गए थे मार्केट करने और लेकर आए सब्जी घर में नहीं था, खत्म हो चुका था, तो गए थे सब्जी। दोस्तों बहुत ज्यादा सामान उठ ही नहीं रहा है, ये वाला उठ जा रहा है लेकिन ये वाला नहीं उठ रहा है, बहुत ज्यादा वजन है। दोस्तों मेरा भी चैनल है, काफी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी है दीपू अंगिरा कपल और बहुत अच्छा लगता है, उस पर जाकर भी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ डेली, उस पर वीडियो डालती हूँ। और आप लोग कहते हैं भाभी जी ठंड नहीं लगती है, लेकिन क्या करें, ठंड तो हमको भी लगती है लेकिन घर में क्या काम करना जरूरी होता है ना, तो रख देते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा वजन था, उठा ही नहीं पा रहे थे, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और हमारे यहाँ हफ्ता में एक बार बाजार लगता है, तो एक हफ्ता हम लोग को बाजार चलाना पड़ता है, एक हफ्ता चलाते हैं हम लोग बाजार, फिर एक हफ्ते में आ जाता है संडे को हम मेरे यहाँ बाजार लगता है। आलू प्याज इसमें है, मटर हरा मिर्चा और इसमें है टमाटर और सूखा मिर्चा लाए मेरे हस्बैंड जी बहुत सारा बाजार करके। तो दोस्तों सब्जी रख दिए अच्छे तरीके से और मम्मी जी आग सेक रही हैं, भाभी जी हैं और चल रहे हैं भाभी जी से, मम्मी जी से मिल रहे हैं। यहाँ पर बार बार हम लोग को चोट लग जाता है, हम लोग ऐसे निहूर कर चलते हैं, दूंगा बहुत ज्यादा मम्मी लोग उड़ा रही है। यहाँ पर भाभी जी और मेरी मम्मी है और उधर चाचू चाचा। नमस्ते बड़ी मम्मी, नमस्ते मम्मी जी, खुश रहा बेटी, खूब सुहागिन रहा। नमस्ते भाभी जी, आप लोग के लिए हम तो ये आग जलाई है, लेकिन तो आप तो बहुत दूर है, कैसे तापूंगी। इधर भाभी जी है, चाची चाचा बुनिया दिखा था, चाचू चाचा दे दो। तो दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड है और शाम भी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा ठंड पड़ रहा है। मम्मी कैसी बैठी है, भैया जी फोन चला रहे हैं, बड़ी मम्मी कुछ कहेंगी पता नहीं बड़ी मम्मी जो कमरा के नजर में आती है तो हंसना स्टार्ट कर देती है। आई बुनिया चाचा चाचू बुनिया बता रही हैं, भैया जी फोन चला रहे हैं। तो कैसे पीला हो गया ये, हाय कैसे बोल रही है, आँख सेकते सेकते हो गया है, सेकते हो गया पीला हाथ। ये मेरा पहिया बोल रहे, खाना कब बनेगा, तो बोल रहे अभी बनेगा। नहीं बनेगा, बनेगा, बोल रही है कि सब्जी मत बनाइएगा, दाल चावल सब्जी बनाइएगा। इधर मेरे हस्बैंड जी आ गए, कहाँ गए थे, गए थे आपके लिए लेने लिट्टी, आप बोले थे लिट्टी खाने के लिए ना। अच्छा समोसा है उसमें, हाँ समोसा भी लाया। तो गाइस अंगिरा जी बोलती है कि ना कि लिट्टी समोसा खाने का मन कर रहा था काफी दिन से, बोल रही थी तो मार्केट गए थे दोस्तों, भूल गए हैं तो ला नहीं पाए, तो जैसे सामान वामान रख कर आलू गोभी और इसके बाद चला गया था गांव के चौराहे पे से लिट्टी समोसा लाए हैं, बोले हैं कि अंगिरा जी खा लेंगी, मम्मी मिलू को खिला देंगी। नमस्ते जी, खुश रहिए खुश रहिए। और मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ हस्बैंड जी का, मम्मी जी का, दादा जी का, बड़ी मम्मी का, सबका मैं नमस्ते करती हूँ। आज सुबह में उठती हूँ तब भी नमस्ते करती हूँ, क्योंकि हम इन लोगों से छोटे हैं ना, इसलिए उन सब का नमस्ते करना जरूरी है। आप लोग भी अपने अपने घर में पैर लगना करिए। अंगिरा जी सब लोग को ले जा रही है खाने के देने के लिए, अपना समोसा खाइए, देखिए कैसा लगता है। अंगिरा जी गर्म है, ठंडा गया है, ठंडा गया, हल्का हल्का गर्म है, लेकिन मम्मी जी को खिला देना फिर मैं खाऊंगी। हाँ चलो सबको खिला दीजिए। दोस्तों हमारे हस्बैंड जी हमको बहुत जानते हैं, ठंडी में दोस्तों देखिए कितना क्या हुआ बड़ी मम्मी इनको, क्या हुआ, क्या हुआ भाभी जी को, पता नहीं क्यों गुस्सा गई हैं। मम्मी आप पर आई हैं क्या, भैया कह रही हैं कि खाना कौन बनाएगा, आया पाक सीखती हैं तो अभी सीखने दीजिए, हम जा रहे हैं बनाने। मैं चल रही हूं लिट्टी खिलाने मम्मी जी को, लीजिए मम्मी जी हम कन खिलाऊं खाइले बानी कहे बाबू।
हम नहीं खाएंगे। बड़ी मम्मी को दे दे रहे हैं तो फिर भाभी जी को देंगे। देखिए अब मम्मी भी डांट रही है बच्चे को। देखिए अभी दोनों लोग मम्मी खा नहीं रही हैं। हमारा बड़ी दीदी हमको बहुत मानती हैं, हम भी बहुत वहाँ का मानती हैं। वो कह रही हैं कि खा लो तो हम कही हैं नहीं खाएंगे। अभी गर्म है जी। हाँ गर्म है बच्चों से। क्या हुआ जी? बड़की मम्मी खाली हंसी है। हम अपने दीदी के सामने हम बोल रही हैं, वो कह रही हैं बच्चों आइए लिट्टी खा लिए जी बच्चों। अभी हो चुकी भैया और भाभी में झगड़ा। छुपा दिए छुपा दिए। दा क्या हुआ? गिर गया। देखिए दोस्तों दादाजी को समझा रही है बाबू। यहाँ पे दूध गर्म हो चुका है। यहाँ देखिए सब लोग चूड़ा दूध खा रहे हैं और देखिए बड़ी मम्मी भी अभी चूड़ा दूध का सेवन कर रही है। अंगीरा जी मस्त धनिया का चटनी लगा रही है। चोखा चटनी खाना मेरे घर आ जाए खाने। खाना बनाएगा। खाना बनाने को जैसे बड़ी मम्मी आज खा रही है चूड़ा और दूध। नहीं अंगीरा जी। हाँ। अंगिरा जी बुला रही है अंदर जाइए अंदर जाइए। तो गाइस अंगिरा जी गरम गरम चोखा लगा रही है। इसमें चावल तैयार हो चुका है गरम एकदम। दाल आ दाल भात सब लोग खाएंगे। दादाजी खाने के लिए वहाँ बैठ चुके हैं। जल्दी लगा दीजिए अंगिरा जी। वो जल रहा है। हाँ यार भैया पर गुस्सा हो गई है। चलिए घर में चलिए चलिए घर में चलिए चलिए अंदर। भाभी भैया हमेशा ऐसे ही झगड़ा होता है। अंगिरा जी जल्दी खाना निकालिए ना। बाबू सत्यम उठ जा बेटी। भाभी जी भी झगड़ा करने के लिए तो अरे बाप। देखिए अंगिरा जी डर चुकी। भाई साहब ये देखिए कोई इस घर में आता नहीं है। ये देखिए कितना अंधेरा है सब लोग डर के भक्त। देखो चाचा हम कोई चाची का भूत दैया ला वही के डरावत है। हां तो गिरता है ऊपर से भर 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 माटी गिरता है तो हमारी बड़ी बहू छोटी बहू ये देख कर डर गई है। मत काला सा पता नहीं क्या था कूदा है। क्या था छोटू? तो दोस्तों रात में अंगिरा जी डर गई थी चुड़ैल इनको पकड़ लिया तो मैं मम्मी जी अभी मतलब इनको झाड़ने जा रही है कि मतलब जो डर हो जाता वो निकल जाता तो लौंग वंग जल रहा है। अंगिरा जी यहाँ बैठी है मम्मी अभी झाड़ेंगी इनको। देखिए अगरबत्ती जला रही है। बच्चों मेरे बहू को तो चुड़ैल धर लिया डर गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं देखो धूप ये कपूर जला करे चुड़ैल का डर जो होगा तो खत्म हो जाएगा। ये जो टूटना है अंगिरा जी टिप बढ़िया होगा जाना हाला अच्छा चढ़ा दो है। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर होप करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक प्यार दुलार सपोर्ट दीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों ताकि और कुछ करना है बाकी आप लोग प्यार दुलार सपोर्ट देते रहिए। नमस्ते प्रणाम जय हिंद।